हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और ये देखिए, मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जो मैं सीड लेके आई हूँ। सारे सीड का रिव्यू करूँगी और उसके दाम भी आप लोगों को बताऊँगी। मैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस में लेके आई हूँ कि आप देखना पसंद करेंगे मेरे सीड। अगर देखना पसंद करेंगे तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कौन कौन से सीड लेके आई हूँ और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में भी लेके आई हूँ। जिस शॉप से मैं सीड लेती हूँ बहुत ही सही सीड देते हैं और रेट भी उसका काफ़ी अच्छा रहता है। सीड की जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छी रहती है, उनकी जो भी शॉप है बहुत ही अच्छी है। और ये देखिए, थोड़ी सी मैं डेकोरेशन कर दे रही हूँ और यहीं पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कौन कौन से सीड लेके आई हूँ। और अब विंटर्स आने वाला है तो बस अब सर्दियों के सीड लगने शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग तो लगाना शुरू भी करती हैं और अभी मेरी तो तैयारी नहीं है। अब मैं लेके आई हूँ तो अपने सारे सीड को ग्रो करूँगी। और ये देखिए, अभी मैं अपनी पोटली में से सारे सीड को निकाल रही हूँ। और ये एक देखिए फंगीसाइड भी मैं लेके आई हूँ। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से सीड आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये चेरी टमाटोज़ का सीड है और मैं दो दो पैकेट इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे अपने सिस्टर्स के यहाँ भेजना है। और ये 25 रुपीज़ का एक पैकेट मिला हुआ है चेरी टमाटोज़। और ये देखिए, ये फूल गोभी है, इसका मुझे 50 रुपीज़ में ये मुझे मिला हुआ है। और ये देखिए फ्रेंच बीन है, ये भी मुझे 50 रुपीज़ में मिला हुआ है। काफ़ी सीड इसके अंदर है। तो ये देखिए, ये है देसी टमाटर, जो देसी टमाटर है उसके पैकेट जो है मुझे 20 रुपीज़ में मिले हुए हैं। ये देखिए चुकंदर भी हमको 20 रुपीज़ में मिला है फ्रेंड्स। तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मैं लेके आई हूँ सीड और सारी वेराइटीज़ के लेके आई हूँ। और ये देखिए चेरी टोमेटोज़ है, ये 25 का मिला है। और ये देखिए, ये ब्राउन टोमेटोज़ है, ये 30 रुपीज़ का मिला हुआ है। ये देखिए लूज़ मैं लेके आई हूँ, धनिया है, पालक है, ये मुझे 15 रुपीज़ का मिला हुआ है। इसमें बहुत सारे सीड हैं मूली और पालक में। और ये देखिए पालक है, ये मुझे 15 रुपीज़ का मिला हुआ है, इसमें कम सीड हैं। इसके अलावा ये देखिए, मैं लाल मूली भी लेके आई हूँ और ये मुझे 25 का मिला हुआ है पैकेट। और ये देखिए लाल गाजर मैं लेके आई हूँ, ये भी मुझे 25 का मिला हुआ है पैकेट। अब मैं सबको ग्रो करूँगी तो पता चलेगा इसकी जर्मिनेशन कैसी है। ये मूली है, मूली मुझे 15 रुपीज़ में मिला है, इसका दाम 15 रुपीज़ है फ्रेंड्स। इसमें भी काफ़ी सीड हैं। और ये देखिए, कुछ मैं लूज़ लेके आई थी, सीड उनके पास था तो मैंने कहा मुझे थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, लौकी, सेम और करेले का, क्योंकि कुछ कुछ थोड़े से अगर आपको लेने हैं लूज़ ले लीजिए तो बहुत सस्ता भी पड़ता है और सही भी रहता है। क्योंकि जो भी मैं सीड लेके आई हूँ तो बहुत सारे सीड आपका ना, इतना तो मैं लगा नहीं पाऊँगी, वेस्ट चला जाता है। ये एक फंगीसाइड मैं लेके आई हूँ। और ये देखिए, इसमें ब्रोकोली का सीड है, ये 50 सीड है तो 50 रुपीज़ में मिला है, 1 रुपये पर सीड मिला है। और इसमें मैं लेके आई हूँ प्याज और गाजर का सीड। और ये देखिए, एक नीम आयल लेके आई हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है हर गार्डनर के लिए, क्योंकि कभी कभी तो ज़रूरत पड़ जाती है स्प्रे करने के लिए, तो आप ले सकते हैं इसको भी। और ये देखिए, एक प्लांट बूस्टर मैं पाउडर लेके आई हूँ, मुझे दिखा तो ये ऑर्गेनिक है पूरी तरीके से, तभी मैं लेके आई हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेके आती। इसको आप पानी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही मेरी सीड की शॉपिंग है। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। ज़रा सा भी अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको मेरी गार्डनिंग थोड़ी सी भी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक किया करें फ्रेंड्स, और अपने कमेंट्स भी शेयर किया करें, कमेंट्स भी बताया करें कि आपको क्या देखना है और क्या जानना है। तो जहाँ तक होगा मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बताऊँ। और गार्डनिंग जो है ना, वो धीरे शुरुआत कर सकते हैं और सीखते सीखते बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आपको भी हो जाएगी। तो आप भी ज़रूर गार्डनिंग करें, विंटर से शुरुआत कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही मेरी सीड की शॉपिंग थी और अब मेरी धीरे धीरे शुरुआत भी हो जाएगी सब्जियां लगाने की। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर लगाएं, जाइए सीड ले आएं अच्छी शॉप से, तो आप भी ग्रो करें और ऑर्गेनिक सब्जियों का आनंद लें। खुद से उगाई सब्जियों की बात ही अलग होती है फ्रेंड्स, तो आप भी ज़रूर लगाएं। तो बस फ्रेंड्स, यही है मेरी शॉपिंग सीट की। ये देखिए चेरी टोमेटोज़ हैं, मैं 3 तरह के 4 तरह के टोमेटोज़ लेके आई हूँ। अब देखती हूँ कैसा, और एक दो सीट तो कुछ वैरायटीज़ तो मैं रखी भी हुई हूँ पिछले साल का, मतलब सीट बना के। तो फ्रेंड्स, यही है मेरी शॉपिंग।